धरती को ना संभाले ये गड्ढा, क्या लाएगा कोई तबाही? कहीं पाताल लोक का द्वार तो नहीं ये गड्ढा? साइबेरिया में दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट गड्ढा। रूस के साइबेरिया में दुनिया का सबसे बड़ा परमाफ्रॉस्ट गड्ढा है, जिसकी तस्वीरें बीते दिनों सामने आई थी। ये तस्वीरें दुनिया को डराने के लिए काफी हैं। तस्वीरें ये भी बताती हैं कि दुनिया पर जलवायु परिवर्तन का असर किस कदर पड़ रहा है। परमाफ्रॉस्ट मतलब जहाँ की जमीन मिट्टी करोड़ों अरबों सालों से जीरो डिग्री तापमान में जमी हुई हो। हालांकि अब ये गड्ढा चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि इसका आकार लगातार बढ़ रहा है। इस गड्ढे को बाटागायका, बाटागे या बागाटाइका कहा जाता है। 1940 के दशक में आसपास के जंगल कटने के बाद परमाफ्रॉस्ट क्रेटर बनना शुरू हुआ था। जीरो डिग्री तापमान पर यह स्थान बनता है। परमाफ्रॉस्ट पिघल रही है, जिसकी वजह से यहाँ की जमीन धंस रही है। इसकी वजह से एक बड़ा गड्ढा बन गया है और इस गड्ढे का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। ये गड्ढा 0.8 वर्ग किलोमीटर बड़ा है और इसके अंदर 145 फुटबॉल मैदान समा जाए। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के मुताबिक परमाफ्रॉस्ट वो जमीन है जो लगातार कम से कम 2 साल तक 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पूरी तरह से जमी रहती है। नासा का कहना है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास के क्षेत्रों में परमाफ्रॉस्ट सबसे आम है। ये धरती के बड़े हिस्से को कवर करते हैं, खासतौर पर उत्तरी गोलार्ध में करीब 1/4 जमीन के नीचे परमाफ्रॉस्ट है। खास बात यह है कि जमीन जमी होती है तब भी परमाफ्रॉस्ट वाले इलाके बर्फ से ढके नहीं होते। जंगलों के काटे जाने से यहाँ पर मिट्टी के कटाव की शुरुआत हुई थी। इसके कारण लगातार यहाँ जमीन के नीचे जमी बर्फ पिघलने लगी और बड़ा दलदल वाला गड्ढा बन गया। वैज्ञानिकों को भी ये जानकारी नहीं है कि आखिर ये गड्ढा अचानक इतनी तेजी से क्यों बढ़ता जा रहा है। आसपास रहने वाले स्थानीय लोग बताते हैं कि बीते सालों में इसके गड्ढे की गहराई 66 फीट से 98 फीट हो चुकी है, जो बेहद दुर्लभ है। रूस के वैज्ञानिक भी इसकी पुष्टि करते हैं। कनाडा, अलास्का, साइबेरिया और कई इलाकों में ये परमाफ्रॉस्ट है। स्थायी रूप से जमी जमीन हजारों सालों से कार्बन सिंक के रूप में काम करती है। अगर पिघल जाती है तो बड़ी मात्रा में ऐसी गैस निकल सकती है। अगर ये पिघलेगी तो कार्बन और मीथेन जैसी गीगाटन गैसों के साथ साथ कई हजार साल पुराने वायरस और बैक्टीरिया भी छोड़ेगी। अगर ये इसी तरह से पिघलते हैं तो पूरी दुनिया के लिए ये खतरनाक साबित होंगे।